सो हेलो डियर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल आवर सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स, सेकेंड सेमेस्टर वाले जिनका हिंदी है, हिंदी बी और हिंदी सी का क्वेश्चन पेपर वो नहीं आया था, वो अब आ चुका है। और ये आपका आंसर हिंदी ए का क्वेश्चन नंबर एक का आंसर है। देखिए हिंदी ए का है, ठीक है गाइस, सेकेंड सेमेस्टर वालों का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है मैं पढ़ के थोड़ा बता दूं कि हिंदी भाषा का विकासात्मक परिचय दीजिए। क्या कर रहा है, हिंदी भाषा का विकासात्मक परिचय देने के बारे में। तो आपको यहाँ से कर लेना है इसका आंसर। देखिए हिंदी भाषा का परिचय एवं विकास, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको कर लेना, मैं थोड़ा दिखा दूँ आपको। तो हिंदी भाषा का पूर्व पाठिका तथा उसका उद्भव, यहाँ से कहना है वैदिक संस्कृत काल में आर्य भाषा प्रदेश में तीन स्थानीय बोलियाँ विकसित हो चुकी थी। जो पश्चिमी तौरी मध्यवर्ती पूर्वी पाली काल में एक और स्थानीय बोली धीरे धीरे छः सात हो गई, जिनका नाम है ब्रांचेंट केके टक शेरसनी। तो गाइज आपको यहाँ से कर लेना है बिल्कुल आंसर आपको, ठीक है। ये देखिए इसकी पूरी मैं पीडीएफ से ही आपको बता रहा हूँ, इसकी जो ये प्रोग्राम वाली बुक है बुक से ही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मत सोचे कि बाहर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी भाषा का इसमें परिचय पूछा गया विकास का, जितना भी देखिए तो आपको यहाँ से कर लेना है बिल्कुल। ये देखिए हजार पैराग्राफ चेंज है, आपको वहाँ से पॉइंट बाय पॉइंट बना लेना है, ठीक है गाइज। ये देखिए आपको कर लेना है। और गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर जो भाई बहन नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना जाइएगा मत, देखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ तक कर लेना है। और देखिए फिर नीचे आ गया, आपको फिर हेडिंग लिख लेना है आपकी विकास अथवा इतिहास। क्या कह रहा है, विकास अथवा इतिहास। देखिए जैसे ही आपका पेपर प्रोवाइड हुआ है मैं वैसे ही आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ इसका आंसर, ठीक है। आप लोग के सामने अभी अभी आया है जैसे ही मैं आपको बता दिया, तो आपको कर लेना है। देखिए विकास अथवा इतिहास अब लिख लेना है आपको। हिंदी भाषा में 1000 ईस्वी में जन्म कर विकसित होते होते अब लगभग 1000 वर्षों की हो गई है। इसके इन 1000 वर्षों के इतिहास अथवा विकास के तीन भागों में बांटा जाता है, जो आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, यहाँ इन तीनों पर संक्षेप पर विचार किया जा रहा है। तो देखिए पहला आदिकाल आपको लिखना है, हेडी डाल के तीन आपको लिखना है। पहला आदिकाल, जो आदिकाल का विकास क्या हुआ था, जो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का। जो हिंदी भाषा अपने आदिकाल में सभी बातों से अपरंश बहुत अधिक निकट थी, क्योंकि उससे हिंदी का उद्भव हुआ था। आदिकाल का हिंदी का मुख्य विशेषताएँ नीचे दी जा रही है। जैसे देखिए आपको ये लिख लेना है, पहले इसकी ध्वनि थी, ध्वनि में आपको ये देखिए पूरा लिख लेना है, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है, बस आपको लिख लेना है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ गाइज, जिससे कि आप कर सको आराम से। ये देखिए आपको कर लेना है बिल्कुल आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमें कमेंट भी आया था बहुत स्टूडेंट का, सर हिंदी ए का आंसर बना दीजिए। देखिए हिंदी ए का जैसे क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया वैसे मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवा दिया हूँ, और आपको अब आराम से कर लेना है बिल्कुल टेंशन का, ठीक है। अब देखिए इसके फिर कुछ व्याकरण है, ये व्याकरण आपको लिख लेना है। ये देखिए व्याकरण में ये लिखना है, आदिकाल हिंदी का व्याकरण 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के बहुत निकट था। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप में कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित हो गए, ठीक है। ये देखिए आपको कर लेना है बिल्कुल आराम से। ये एक है, ये दो है। अब वीडियो ज़्यादा स्पीड हो तो गाइज वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, ये आपका तीसरा पॉइंट लिखना है। अब देखिए जो शब्द भंडार है वो लिख लेना है आपको कुछ आदिकालीन का, आदिकालीन का शब्द भंडार लिख लेना है। अब देखिए साहित्य में जो प्रयोग हुआ था वो लिख लेना है, ठीक है। तो आपका आदिकाल का खत्म होता है। अब देखिए सेकंड आपका है मध्यकाल, सेकंड क्या आपका मध्यकाल की, इसका परिचय के बारे में कहा गया कि विकासमक का जो हिंदी भाषा का विकास है उसका परिचय देने के बारे में। तो पहले परिचय हम स्टार्टिंग बता दिए, अब इसका विकास भी बता रहा हूँ। जो अब है मध्यकाल, मध्यकाल में आपकी 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक की चली थी। तो इसकी पहले ध्वनि, पहले हेडिंग लिखना है ध्वनि, उसके बाद इसका पॉइंट बना लेना है। तो इस काल में आकर ध्वनि व्याकरण तथा शब्द भंडार के क्षेत्र में मुख्यतः आगे दिए गए परिवर्तन हुए। ध्वनि के क्षेत्र में दो तीन बातें उल्लेखनीय है, ठीक है। तो पहला देखिए आपको लिख लेना है बिल्कुल, ये देखिए गाइज गाइज वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करने मत जाइएगा। दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, जिनका जिनका जिन स्टूडेंट्स का अपना है, जो फ्रेंड्स आपके हैं उनको शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी पेपर आराम से हो सके, ठीक है। देखिए तीसरा हो गया। अब इनके इनके कुछ व्याकरण है, व्याकरण आपको लिख लेना है। ये देखिए व्याकरण के क्षेत्र में मुख्यतः तीन ही बातें उल्लेख किया गया, तो इसमें तीन बातें आपको लिख लेना है कुछ। हेडिंग देखिए, अब देखिए इनका शब्द भंडार आपको लिख लेना है। शब्द भंडार की दृष्टि से यह बातें मुख्य है, तो तीन बात इसमें है, ये आपको कर लेना है, ठीक है। अब देखिए साहित्य में प्रयोग, इसमें भी साहित्य में प्रयोग क्या है ये आपको लिख लेना है। अब देखिए आपका होता है
तीसरा आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो 1800 ईस्वी से अब तक का जो चल रहा है वो आधुनिक काल हो गया, ठीक है। और उसकी आधुनिक काल की ध्वनि में आपको लिख लेना है, आधुनिक काल हिंदी में ध्वनि के क्षेत्र में 4-5 बात उल्लेख है। तो क्या क्या 4-5 बात देखिए आपको कर लेना है हेडिंग बना के गाइज, ठीक है। पहला ये आपको लिख लेना है, ये देखिए मैं दिखा दूँ, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा अगर ज़्यादा स्पीड हो रही हो तो, कि वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो सोच रहा हूँ कि ज़्यादा लंबी ना हो जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। ये देखिए आपकी पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये दूसरा आपको कर लेना है, ये देखिए तीसरा कर लेना है आपको, और ये चौथा हो गया। और चौथा में इसमें कहा गया इस संबंध में 3 बात भी उल्लेख है, चौथा कुछ 3 बात ये आपको लिखना है, का खा गा करके लिखा हुआ है वो आपको लिख लेना है, ठीक है। अब ये देखिए आपका 5वां पॉइंट हो गया, कुछ आपको 5वां कर लेना है, अब देखिए 6ठा पॉइंट आपका हो गया, कुछ 6ठा करने के बाद उसका देखिए इनके भी कुछ व्याकरण है, जो व्याकरण आपको लिखना है, व्याकरण की दृष्टि से अधोलेखन बातें कही जा सकती है। तो इसमें देखिए कितने बातें आपको लिख लेना, पहला बात ये आपका लिखा हुआ है, फिर दूसरा आपका ये लिखा हुआ है कि हिंदी प्राय पूर्णतः एक विज्ञात्मक भाषा हो गई है, ठीक है, ये आपको कर लेना है। और देखिए फिर तीसरा में इसके तीसरे से 5 टोटल बात लिखी गई है, तो तीसरा आपको कर लेना है, 3 बात इनकी हो गई, ये चौथी हो गई आपकी, और देखिए फिर 5वीं आपकी हो गई। अब देखिए इसका शब्द भंडार लिख लेना है, शब्द भंडार में क्या क्या है जो आपको लिख लेना है, अब पॉइंट बाय पॉइंट ही करके लिखेगा जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा हो, ठीक है। ये शब्द भंडार आपको इसके लिख लेना है, देखिए शब्द भंडार में काका का चार ऑप्शन दे रखे, चारों को कर लेना है आपको, ठीक है, सॉरी गाइस 4 पॉइंट दे रखे, 4 पॉइंट आपको कर लेना है। ये देखिए और ये लास्ट का यहाँ तक कर लेना आपको समर्थ होती जा रही है, ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं करना है, यहीं तक करना है। तो आपका यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समाप्त होता है, ठीक है गाइस, तो आपको यहीं तक कर लेना है।